मंगूस बैट का सबसे पहले इस्तेमाल शुरू किया ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैथ्यू हेडन। 2010 के आईपीएल में सीएसके की तरफ से ओपनिंग करते हुए मैथ्यू हेडन ने इस बैट से दिल्ली डेयर डेविल्स के खिलाफ 43 गेंदों पर 93 रनों की शानदार पारी खेली। इस बैट का इस्तेमाल करने के लिए उस समय हेडन को 60 से 70 लाख रुपये दिए गए और उस बैट की कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया। लंबे हैंडल के साथ हिटिंग पार्ट छोटा और हिटिंग पार्ट के सारे ही पॉइंट स्वेट स्पॉट थे, जो T20 फॉर्मेट में बॉल को हिट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार थे। बाउंड्री के लिए बैट्समैन को काफ़ी कम एफर्ट लगाना पड़ता था, लेकिन डिफेंस के लिए यह बैट बिल्कुल अच्छी नहीं थी। डिफेंस करने पर आसानी से एज लग जाता था। यह शिकायत BCCI के पास गई, लेकिन ऑफिशियली BCCI ने इसे बैन नहीं किया। 2011 में हेडन के संन्यास के बाद किसी ने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं। यह बैट धीरे धीरे ट्रेंड से गायब हो गया।